हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं शादी कार्ड का डिजाइन करने बताऊंगा कैसे जो है कि किसी भी कार्ड को जो है कि आप एक कंप्लीट साइज बना सकते हैं और उसका जो है कि प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं। सब कार्ड का जो है कि अलग अलग साइज होता है और सबका जो है कि अलग अलग डिजाइन भी आपको करना पड़ेगा कार्ड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो है कि किसी किसी का दो शादी होता है, किसी का एक शादी होता है, तो किसी का मंदिर में शादी होता है, तो सब जो है कि आप कैसे कार्यक्रम जो है कि अलग अलग डिजाइन करेंगे और कैसे जो है कि साइज का अंदर किसी भी कार्ड का जो है कि साइज एक ही होता है। यदि कोई कार्ड यदि मैं यहाँ पे आपको लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये कार्ड लिया, ठीक है, इसका मैं पिक्चर क्लिक कर लिया हूँ और स्केल से मैं यहाँ पे साइज जो है कि इस प्रकार से यहाँ पे रख के ये जो है कि मैं पिक्चर क्लिक कर लिया हूँ और आपको मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलूंगा और वहां पे आपको मैं प्रॉपरली एक क्लियर एकदम बेहतरीन तरीका से आपको समझाऊंगा, ताकि आप किसी भी कार्ड को लेकर जो है कि साइज नापने में और साइज का डिजाइन करने में कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है, कभी भी आपका जो है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा साइज नापने में, ठीक है कार्ड का। तो ये जैसे कि मैंने आपको अभी लिफाफा दिखाया और इसका अंदर का जो है कि ये एक अंदर का है और इसके अंदर जो है कि ये इस पे प्रिंट आउट होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो है कि कैसे ये सब डिजाइन करेंगे, ये तो है कि यहाँ पे चार प्रोग्राम है, चार कार्यक्रम है 4 दिन, यदि ये 6 दिन का रहता तो आप कैसे इसे डिजाइन करते, ये सारे चीज जो है कि मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, कहीं भी स्किप करके या फास्ट करके देखने की कोशिश मत कीजिएगा यदि आप शादी कार्ड का डिजाइन सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल शादी है, ठीक है, यदि इसी कार्ड में जो है कि डबल शादी होता है, एक घर में दो शादी होता है और अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे 6 हो गया 7 हो गया प्रोग्राम कार्यक्रम, तो आप कैसे जो है कि उसे डिजाइन करते हैं ये चीज जो है कि आपको सिखाऊंगा मैं, जो है कि इसी चीज में जो है कि लोग जो है कि डिजाइन करने नहीं आता है और जो है कि वो कार्ड जो है प्रिंट करने में बहुत लेट करते हैं और सबसे ज्यादा उनका जो है कि इसी डिजाइनिंग को लेकर ही उनको जो है कि टेंशन होता है, प्रॉब्लम होता है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट जो है कि आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे जो है डिजाइन करना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी चाहे कोई भी कार्ड का साइज आ जाए, जैसे कि ये कार्ड जो है कि आप लोग की तरफ भी चलता होगा, इसे फरमान बोलते हैं और कहीं कहीं जो है 5 फोल्डर 4 फोल्डर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये देखिए अंदर में इतना बड़ा रहता है, तो ये कैसे डिजाइन करेंगे, इसका लिफाफा पे यहाँ पे कट है, देख सकते हैं आप लोग कट है, यदि ये लिफाफा पे कट नहीं होता बड़ा होता तो कैसे डिजाइन करेंगे, यदि ये लिफाफा यहाँ पे कट है, ये यहाँ पे आ जाता कट गोल में, तो कैसे डिजाइन करेंगे, ये सारी चीजें जो है कि हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सुधीर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पे पहली बार होंगे वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, टच करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आएगा बेल आइकन उसे प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिलता रहेगा। और इस प्रकार के जो है कि कार्ड का डिजाइन करने या किसी भी टाइप का ग्राफिक्स डिजाइन करने आप सीख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आपके सामने जो है कि मैंने जो है कि वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपको जो कार्ड दिखाया था, यहाँ पे जो है कि मैंने उसका पिक्चर के लेकर के स्केल के साथ में रख लिया हूँ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है कि स्केल से जो है कि किसी भी कार्ड का जो है कि साइज को जो है कि नापते हैं और इसे जो है कि सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले अपने कंप्यूटर में चले जाता हूँ, यहाँ पे फाइल को ओपन कर देता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि यदि आप मेरे से फॉर्मेट लीजिएगा तो आपके क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है कि फॉन्ट दिया जाएगा, जो कि कुरुति देव का ऑल फॉन्ट मिलेगा, उसे जो है कि इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा जब आप पेमेंट करके जो है कि यह फॉर्मेट लीजिएगा। तो कुरुति देव फॉन्ट इंस्टॉल बहुत ही ईजी है, किसी भी फॉन्ट को इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है, बस तुरंत इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे जो है कि आपको बहुत सारे जो है कि कार्ड मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पे आपको सारे कार्ड का जो है कि डिजाइन नहीं दिखाऊंगा, मैं जो है कि दो तीन कार्ड का जो है कि आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है कि समझ में आ जाए और कैसे एडिट करना है ये चीज़ आपको पता चल जाए और कैसे जो है किसी भी कार्ड का जो है कि साइज को फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने एडा पेज मेकर 7.0 को ओपन कर लिया और इसके अंदर जो है कि एक जो है कि कार्ड का लिफाफा का जो है कि यहाँ पे आपके सामने जो है कि दिखाया गया है डिजाइन। तो इसे जो है कि पहले तो सीधा कर लेते हैं, यहाँ पे 90 किया हुआ है, इसे मैं 0 करता हूँ, ये देखिए एक क्लिक में ये आ गया, ठीक है। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी इस
डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, कार्ड में जो है कि नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल नहीं कीजिएगा। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए और किसी को परेशानी ना हो। आपको यदि मेरे पास कॉल करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है कि हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और जी करता हूँ, तो ये अनग्रुप हो गया, ठीक है। जब आप मेरे कोर्स को, शादी कार्ड कोर्स वाले जो है कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, तो सारे चीज़ जो है कि आपको बताया जाएगा। ये टूल के बारे में इंट्रोडक्शन, इधर बॉर्डर ये इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, और एक फ्रेश जो है कि न्यू पेज लेकर कैसे डिजाइन किया जाता है वो भी बताया जाएगा। आपका जो है कि 3,000 रुपये लेंगे, और जो है कोर्स जो है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और कंप्लीट जो है कि शादी कार्ड की जो है कि प्रॉपरली आपको जानकारी मिल जाएगा, कैसे जो है एक्सपोज करते हैं, कैसे प्रिंटिंग करते हैं, कैसे जो है कि एक न्यू डिज़ाइन बनाते हैं, न्यू पेज लेकर डिजाइन बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो इसे जो है कि बड़ा कर देते हैं, एंड ये देखिए यहाँ पे हमने कर्सल वाले टूल को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ, जो कि मूव टूल के नाम से जाना जाता है। ये मैं बॉर्डर पे क्लिक किया, ठीक है, ये लाइन पे। तो इसका जो है कि यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं, 5.158 इंच है, और हाइट है जो है कि 3.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हम यदि 4 इंच कर देते हैं, तो अभी हमने आपको क्या दिखाया, आपको मैं दिखाता हूँ कि किसी भी कार्ड का जो है कैसे साइज मापते हैं। तो ये हमने जो है कि व्यू कर लेता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.5 के आसपास, मतलब 10.5 जो है कि 10.5 इंच जो है कि इसका साइज है, ठीक है, चौड़ाई। और इसका लंबाई अब देखते हैं, इसका चौड़ाई जो है वेट, इसका चौड़ाई जो है 10.5 इंच है, और इसका लंबाई अभी आपको हम दिखाते हैं कितना है। यहाँ पे हम लोग इंचेस में जो है कि साइज नाप रहे हैं, किसी किसी ने जो है कि एमएम में भी साइज नापते हैं, तो उसमें जो है कि आपको थोड़ा दिक्कत होता है एमएम में, ठीक है। और इंचेस में जो है कि आप डायरेक्टली जो है कि देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप जो है कि माप सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5 इंच है, और 10.5 इंच इस प्रकार का है, ठीक है। हाइट जो है 9.5 इंच है, वेट जो है कि 10.5 इंच है। तो इसे जो है कि दिखा दिया मैंने, और एक जो है कि ये कार्ड है, तो इसी कार्ड को जो है कि हम आपको दिखाए हैं, अभी फॉर्मेट को ओपन किए हैं, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 इंच है, और हाइट अभी आपको दिखाते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 4 इंच से बड़ा है, मतलब 4.5 से थोड़ा सा कम है, तो इसे हम 4 मानेंगे, 4 से थोड़ा सा कम ही रखेंगे, ताकि यहाँ पे जो है कि ऊपर में और नीचे में थोड़ा सा स्पेस रह सके। तो यहाँ पे जो है कि यदि ये साइज बड़ा करना होता, तो यहाँ पे जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि 4 इंच था, तो यहाँ पे हम 4 इंच यदि फिक्स यदि रखेंगे तो थोड़ा सा प्रिंटिंग करने में दिक्कत होगा, इसीलिए जो है कि हम लोग कम रखते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कम रखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 3.6 इंच में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इंच हम लोग इंटर किए हैं, तो ये देखिए हो गया। और इसका हाइट जो चौड़ाई था, 5.5, तो यहाँ पे हम लोग 5.5 इस प्रकार से 5 लिख लेते हैं, और यहाँ पे इंच है। यदि आप इस प्रकार से सिलेक्ट करके और 5.5 लिखिएगा, तो डायरेक्ट इंटरप्रेस नहीं करना होगा, IN लिख कर इसके बाद जो है कि आपको इंटरप्रेस करना होगा, ठीक है। तो इंटरप्रेस कीजिएगा, तो ये जो है कि बॉर्डर जो है बड़ा हो जाएगा, तो बॉर्डर बड़ा हो जाएगा। एक बार हम 10 इंच लिख कर आपको दिखाते हैं, ताकि आपको सच में ये चीज़ पता चल पाए कि हाँ 10 इंच लिखने पर बड़ा हो रहा है बॉर्डर, 10 इंच, ठीक है। ओहो, 10IN, 10 इंच लिखा, तो ये देखिए बॉर्डर बड़ा हुआ ना, तो इसी प्रकार से। तो यहाँ पे जो है कि बॉर्डर को इसी प्रकार से जो है कि कम बेसी करना है, और स्केल से जो है कि हमने आपको पिक्चर में दिखाया कैसे जो है कि हम अभी किसी भी कार्ड को जो है कि साइज नापे थे, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है कि कर देना है। और ये वाला बॉर्डर कैसे आएगा, तो ये यह बॉर्डर यहाँ पे जो है कि इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करना है टूल को, और ऐसे कर देना है,
ऐसे करने के बाद यहाँ पे जो है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा हाइट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेना है 5.5, और यहाँ पे कर लेना है 4 इंच। तो ये देखिए, ये बॉर्डर हो जाएगा उसी का साइज का। आपको हम दिखा देते हैं एक बार, देखिए। तो हम लोग ये कम ही रखे थे, इसमें कम ही रखे थे, 3.6 रखे थे, इसके वजह से ये है, ठीक है कम। तो इसे भी यदि इतना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ना, तो आपके सामने जो है कि यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाकर दिखाया। तो इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ पे जो है कि टेक्स्ट टूल के सिलेक्ट करेंगे, और सबसे पहले तो आपको कुरुति देव फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। यहाँ पे मेरे सिस्टम में कुरुति देव फॉन्ट से ये डिजाइन बनाया हुआ है। तो ये सब जो है कि डिजाइन ये आता है बना बनाया हुआ, ये जो है कि क्लिप आर्ट है, ये आपको दे दूंगा मैं। और जो है कि ये जो है कि ये डेट तारीख से जो है कि टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक कीजिएगा या सिंगल क्लिक कीजिएगा इसके साइड में, और बैक स्पेस से इसे हटा सकते हैं, और जो भी आपको डेट डालना हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये जो है कि दिन लिखना हो तो एक चार्ट जो है कि हम फॉर्मेट दे देंगे, उसमें जो है कि सब जो है कि डी से क होता है, जे से र होता है, तो ये जो है कि अलग स्पेलिंग होता है, ठीक है। डी चिपिएगा तो क होगा, शिफ्ट डी प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करके डी प्रेस कीजिएगा तो आधा क होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि आपको याद करना होगा, याद रखना होगा, जब आप डेली जो है कि डेली यूज़ कीजिएगा, और डेली जो है कि काम करने लगेगा अपने पेज मेकर में या टाइपिंग करने लगेगा कुरुति देव फॉन्ट को सेलेक्ट करके, आपको सारे चीज़ जो है कि याद हो जाएगा। और कहीं यदि कोई दिक्कत आता है तो आपको एक मैं चार्ट जो है कि चार्ट का जो है कि आपको जेपीजी पीडीएफ दे दूंगा, उसमें जो है कि सारा जो है कि लेटर का और हिंदी किया रहेगा, आप वहाँ पे देख कर और जो है कि लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोमवार, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे जो है कि नाम वगैरह सारा चीज़ एडिट होता है बहुत ही आसानी से। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, बस इससे करना है, जहाँ भी आपको एडिट करना है यहाँ पे नंबर आप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये मेरा शॉप का नाम है, तो ये आप देख ही सकते हैं। इसके बाद इसे जो है कि मूव कर सकते हैं अल्ट दबाकर, और जो है कि किसी भी यहाँ पे कोई भी रहेगा टूल सेलेक्ट, अल्ट दबा के प्रेस करके और लेफ्ट क्लिक करके मूव कर सकते हैं आप। वो सारे जो है कि शॉर्टकट आपको कोर्स के अंदर समझाया जाता है, कोर्स यदि आप ज्वाइन किए होते तो। ये देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि 5-6 यदि कार्यक्रम होगा तो कैसे होगा। तो ये देखिए डिजाइन मैंने बनाया है, 5 कार्यक्रम है, किसी भी ओपन करता हूँ दूसरे, तो ये इसमें भी 5 है और 2 शादी है, देख सकते हैं आप। सिंगल शादी 5 कार्यक्रम, डबल शादी 5 कार्यक्रम, ठीक है। तो डबल शादी में भी उतना ही स्पेस में बनाना है, और सिंगल में भी उतना ही स्पेस में करना है डिजाइन। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका से आपको सिखाया जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये लिफाफा के ऊपर जो है कि आप सोचते रहेंगे कि कैसे जो है कि यार लिफाफा का डिजाइन होगा, यदि अभी अभी आपको मैं दिखाया था सिंगल शादी वाले में, तो आपको तो लग रहा होगा कि जगह तो है ही नहीं कार्ड के अंदर लिफाफा के ऊपर, डबल शादी के कैसे जो है कि डिजाइन करेंगे। तो ये देखिए, हमने डिजाइन ऑलरेडी कर रखा है। आपको यदि साइज कार्ड का साइज आपको बड़ा है तो बड़ा यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ये ग्रुप रहता है बनाया हुआ, तो इसे अनग्रुप कर लेंगे। और जो भी साइज का होगा, यदि 6 होगा आपका हाइट, चौड़ाई होगा 6 इंच, तो 6 और इंच यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, वो सॉरी, 6 और इंच यहाँ पे प्रेस कीजिएगा, तो ये देखिए साइज बढ़ जाएगा। और यहाँ पे 5 इंच चिपिएगा तो ये इसका हाइट भी बढ़ जाएगा, और हाइट बढ़ गया तो फिर आपको जो है कि इस प्रकार से यहाँ पे मूव कर दीजिए, ठीक है। ये मूव कर दीजिए इस प्रकार से, अपना जो भी है आपका अपना एडिट कर लीजिएगा इस प्रकार से, यहाँ पे मूव कर सकते हैं, और इसे जो है कि आप डिजाइन कर सकते हैं ये, सॉरी, यहाँ पे इस प्रकार से, और ये, और इसे जो है कि यहाँ पे ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, और इसे जो है कि और बेहतरीन लुक दे सकते हैं। और ये जो है कि ये वाला डिजाइन इसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, और इसे जो है कि यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग मार सकते हैं। तो वो जो है कि यहाँ पे रिसेप्शन लिख सकते हैं, या प्रीति भोज हिंदी में लिखिएगा तो प्रीति भोज लिखकर उसका डेट दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से जो डिजाइन करते हैं, अभी देखिए
बड़ा कार्ड भी हो गया और बड़ा साइज भी हो गया और जो है कि डिजाइन भी एक नंबर आपको लग रहा होगा बहुत ही आसानी से। और ये वाला जो है कि बढ़ाना है तो इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं आप, ये इस प्रकार से ये आप मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, इसे जो है कि बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी है यार। यदि कोर्स को आप ज्वाइन कीजिएगा तो सारी चीज़ बताया जाएगा। ये देखिए अम्बेडकर में, अम्बेडकर का डिज़ाइन ये आपको सामने दिखा दिया मैंने, ये आपको उर्दू में भी दिखा देता हूँ मुसलमान मुसलमान भाई को लिए। तो ये देखिए शादी में भी है, यहाँ पे एक का शादी, एक घर में दो शादी है, यहाँ पे एक का जो है कि मंदिर में शादी है और एक का जो है घर से शादी है, तो ये सारे जो है कि डिज़ाइन देखिए किया हुआ है, साइज जो है कि वही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है कि आपको अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा। और यदि मेरे से आप फॉर्मेट लेते हैं तो यहाँ पे हर एक में जो है कि डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा, हर एक कार्ड का बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइन जो है कि आपको सामने जो है शो किया जा रहा है, मुसलमान के लिए भी है हिंदू के लिए भी है। तो बिग विंडो यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा कार्ड का है ये, ठीक है। तो ये तो इसके अंदर जो है कि एक दो है तो ये मत सोचिए कि एक ही दो है, इसका और भी फाइल आपको अलग रखा हुआ है। ये देखिए इधर मैं करता हूँ पेन और एक बार ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग मिलेगा आपको डिज़ाइन किया हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डिज़ाइन होता है। और PMD फाइल यदि आप परचेज करते हैं तो 1000 में आप जो है कि और फाइल जो है कि बाय कर सकते हैं, और इसके साथ जो है कि फॉन्ट भी दिया जाएगा, इसके साथ जो है कि सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा। और कैसे एडिट करना है तो इस वीडियो में आप लोग समझ ही रहे होंगे और आपको सामने कोई भी इशू नहीं आएगा इस वीडियो की यदि आप देखे होंगे तो, ठीक है। आप देख लिए तो आपके सामने कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे कैलेंडर कार्ड का भी शायद आपको दिखाता हूँ, कैलेंडर कार्ड के लिए भी ये डिज़ाइन देखिए कैलेंडर कार्ड के लिए है, आप देखे होंगे कैलेंडर में भी कार्ड जो है कि रहता है, ये डिज़ाइन कैलेंडर के लिए है। ये देखिए उर्दू के लिए जो मुसलमान मुसलमान भाई के लिए है डिज़ाइन। तो बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिलने वाले हैं दोस्त, यदि आप जो है कि 1000 यदि आप पेमेंट करते हैं मेरे फ़ोनपे नंबर पे, या जो है कि पूरे बंडल आपको मिल जाएगा, तो आपको बहुत ही आसानी से जो है कि कार्ड डिज़ाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको मैं अभी बताया था कि मुसलमान भाई के लिए भी आपको ये देखिए, तो हर एक कार्ड में कम बेसी जो है कि सभी कार्ड में जो है कि आपको मुसलमान भाई के लिए जो है कि डिज़ाइन बनाया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, तो आप जो है कि फॉर्मेट PMD फाइल को लेना चाहते हैं तो आप मेरे को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और 1000 में ये सारे जो है कि डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। और जो भी नेक्स्ट लेवल में जो भी डिज़ाइन बनेगा या कुछ डिज़ाइन लॉन्च होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिलहाल में तो ये बड़ा कार्ड के लिए ये देख सकते हैं आप, जो कि 2 कॉपी में होता है, ठीक है, 2 फाइल में। तो ये देखिए बड़ा कार्ड के लिए है, तो इसमें भी जो कि अलग अलग डिज़ाइन मिलने वाला है। एक बार मुसलमान भाई के लिए जो है कि प्रॉपरली मैं कार्ड आपको दिखाता हूँ डिज़ाइन, ताकि मुस्लिम भाई भी यदि ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी जो है कि अच्छे से नॉलेज मिल जाए और अच्छा जो है कि उनका भी डिज़ाइनिंग देख सकें, ताकि वो PMD फाइल बाय करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 48 के आसपास है, 49-48 पेज है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कैसे जो है कि क्या क्या मिलने वाले हैं फॉर्मेट के अंदर, इनविटेशन कार्ड, मुंडन कार्ड, सारा कार्ड मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनविटेशन कार्ड भी है, गृह प्रवेश का जो है कि कार्ड होता है वो भी है, किसी प्रकार का आमंत्रण कार्ड बनाना है ये भी है, बर्थडे का जो है कि आमंत्रण कार्ड, यहाँ पे इनविटेशन प्रिंट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि कहीं डांस प्रोग्राम का जो है कि युवा समिति संघ के जो है कि थ्रू यदि कोई इनविटेशन बनवाना चाहता है तो ये भी है। तो आप इस प्रकार से जो है कि एडिट कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया मुंडन कार्ड का, जो कि आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मुंडन कार्ड है, मुंडन कार्ड भी कितना प्यारा है यार, देख सकते हैं आप लोग एक बार, यहाँ पे देख सकते हैं मुंडन कार्ड, ये प्रीति भोज, इधर शुभ मुंडन दिनांक कितना है, और यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है कि आप जो है कि देख ही लिए,
क्या क्या आपको मिलने वाले हैं। फॉर्मेट जो है कि बहुत सारा है, पीएमडी फाइल बहुत सारा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिंगल पेज वाला भी आपको एक बार दिखा दूँ, ये देखिए सिंगल पेज वाला है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशनशिप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो के नीचे रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, टच करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में आएगा बेल आइकन, उसे प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ में, एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।